खबरें के बाद स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने पलटा 58 वर्ष पुराना आदेश। अब आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी भी। जी हां, आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कार्मिकों के भाग लेने पर 58 साल पहले रोक लगाई गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने ये रोक हटा दी है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया। मोदी सरकार का ये फैसला आरएसएस और भाजपा के रिश्ते के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम भी बताया जा रहा है। बेहद खास बात, क्योंकि 58 साल के बाद इस फैसले को पलटा गया है और वो भी मोदी सरकार के द्वारा। मोदी 3.0 में इस 58 वर्ष पुराने आदेश को पलटा है, जिसमें अब आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो पाएंगे। यानी कि और ज्यादा बड़ा परिवार और ज्यादा, क्योंकि आरएसएस शताब्दी वर्ष में परिवार को और ज्यादा बढ़ाने की जहां बात करता है और शाखाओं को और ज्यादा बढ़ाने की बात करता है, ऐसे में मोदी 3.0 ने बड़ा फैसला लिया है आरएसएस के संबंध में भी। ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मोदी सरकार 3.0 ने 58 वर्ष पुराने उस फैसले, उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी तब शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन अब से ये शामिल भी होंगे और साथ ही अब जो परिवार है वो और ज्यादा वृहद होगा। शिवेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर है, कह सकते हैं मौजूदा समय की ये बड़ी खबर है जैसी। और जो मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है उस हिसाब से भी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें चल रही है सोशल मीडिया में और मीडिया में कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी सी खटपट हुई है। चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष का ये बयान हो चुनावों से पहले कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, या अभी किसी कार्यक्रम में मोहन भागवत कुछ कह रहे थे कि कोई एक व्यक्ति है जो सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन इन सब खबरों के बीच ये आदेश भारत सरकार के कि अब कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आरएसएस की सक्रिय गतिविधियों में शामिल हो सकता है, इस आदेश को भारत सरकार ने जारी किया है। और पहली बार 30 नवंबर 1966 आज से 58 साल पहले जो भी तत्कालीन सरकार थी उस सरकार ने आदेश निकाले थे कि राजकीय कर्मचारी और अधिकारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, हिस्सा नहीं ले सकते। उसके बाद उसकी निरंतरता में 1970 में भी आदेश निकले, 1980 में भी आदेश निकले, लेकिन अब भारत सरकार ने उन सभी पुराने आदेशों को खत्म कर दिया है और छूट दे दी गई है जो राजकीय अधिकारी और कर्मचारी है उनको कि अब वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, आरएसएस के सदस्य भी बन सकते हैं। और जो आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, जो उनके अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी राजनीतिक खबर है, बड़े मायने हैं इस आदेश के। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।